हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस ए टू जेड नॉलेज में। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आया हूँ हमारा बाइक के ऊपर। जब भी हमारा बाइक का बैटरी ख़राब हो जाता है या बैटरी डाउन हो जाता है तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे इंडिकेटर नहीं चलता है, हॉर्न नहीं बजता है। ये अभी देखिए गाड़ी स्टार्ट में है, उसका हॉर्न नहीं बजता है, न्यूट्रल पॉइंट या साइड इंडिकेटर का जो इंडिकेटिंग पॉइंट होता है वो भी नहीं जलता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट बैटरी, यानी बिना बैटरी में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सिर्फ एक 40 रुपये के कैपेसिटर में। ये हो गया हमारा कैपेसिटर जिसका पावर है 4700 माइक्रोफेरेड। ये मार्केट में आपको सिर्फ 40 रुपये में मिलेगा। ये देखिए जो उसका ब्लैक कलर माइनस पॉइंट दिखा रहा है, वो जो पोल उस तरफ है वो नेगेटिव पोल है, दूसरा जो है पॉजिटिव पोल है। आप देख सकते हैं एक पोल लंबा है, एक पोल छोटा है। ये जो छोटा वाला पोल है वो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग की तरफ से, और जो लंबा वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव है। आपको क्या करने का, ये कैपेसिटर का दोनों पॉइंट बैटरी जो हमारा लगा रहता है गाड़ी में, उस बैटरी को पहले निकाल देने का, और उसमें जो वायर लगा रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर, उसी वायर को अच्छा से मार्किंग करके रखने का, उल्टा नहीं करने का। बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट में कनेक्शन करने का, और जो बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट था, जो वायर बैटरी के नेगेटिव पॉइंट में लगा हुआ था, उसको कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट में जोड़ देने का। बस यही सिंपल सा काम है। ये देखिए मैंने अभी बैटरी से उसका जो दो तार था उसको निकल दिया हूँ काट के। ये जो रेड वाला वायर देख रहे हैं आप, ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव वायर जो पॉजिटिव टर्मिनल में लगा था रेड वाला, और जो ग्रीन वायर है वो नेगेटिव है, उसको क्या करने का ना, कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट में जोड़ देने का। बस इतना सा ही सिंपल काम है। आप आराम से इसको अपने बाइक में ट्रायल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो बाइक का इंडिकेटर जो पॉइंट रहता है हमारा चाबी के पास, वो भी शो करेगा लेफ्ट साइड इंडिकेटर चल रहा है या राइट साइड इंडिकेटर चल रहा है, और आपका हॉर्न भी बराबर बजेगा, जो ओरिजिनल लाउड होता है उसी लाउड पे आएगा, वो बजेगा, कुछ दिक्कत नहीं। और बहुत आसान टेक्निक है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आराम से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपका गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होता है तो आप इस कैपेसिटर से सेल्फ नहीं उठा पाएंगे, यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर पुराना मॉडल रहेगा जो बिना सेल्फ वाला, उसी गाड़ी पे आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। जो बैटरी आपको फैसिलिटीज देता है वो फैसिलिटी आपको ये कैपेसिटर से मिल जाएगा। इसे क्या है, हमको बैटरी की खर्चा से छुटकारा मिलेगा। कैपेसिटर हम 40 से 50 रुपये में मार्केट से ले आएंगे, लेकिन एक बैटरी लेने के जाएंगे तो अभी हमको 1000 रुपया तक लगेगा, है ना दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं हॉर्न बज रहा है या नहीं बज रहा है। ऐसा नया नया टेक्निक जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। बहुत ही जल्दी हम एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। वीडियो में समझने में कहीं पर अगर कुछ दिक्कत है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम जो है ज़रूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।